पता है मैं इतने बुक्स क्यों पढ़ती हूँ? सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स ज्यादा पढ़ती हूँ। रीजन पता है क्या? क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है, ईश्वर को जानने को मिलता है। हमारा जब जन्म हुआ था तो हम ऑलमोस्ट आधुनिक युग में ही थे। उस समय में इतनी पूजा पाठ ये सारी चीजों का ज्ञान हमें नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर ईश्वर को जानने की इच्छा है तब वो सारी हदों को पार करेंगे जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सके। देखिए, ईश्वर को पाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, सारे नहीं मानते, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं और जो गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, उनके जानने की कोई समय सीमा नहीं है और अनंत सागर में वो गोता लगाते हैं कि वो जितना जाने उन्हें कमी लगता है। जैसे मेरे साथ होता है कि मुझे जितना मालूम पड़े, जितना जानती हूँ, मुझे लगता है ये कम है और जानना है। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करूंगी, आज आप लोगों को उपाय बताऊंगी। क्योंकि आज कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ते पढ़ते कुछ उपाय याद आया, तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूं। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूं कि मुझे अच्छा लगता है कुछ चीजें आप लोगों को बताती हूँ, और जब आप लोगों के साथ अच्छा होता है, देखो इसमें भी मेरा स्वार्थ छुपा है कि जब आप लोगों के साथ अच्छा होता है ना, तो आप लोग आकर जब मुझे कहते हैं कि मैम मेरा ये काम हो गया, मेरी विश कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, तो मुझे लगता है कि ये जब आपने कहा एक पॉजिटिव वर्ड कहा तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स बन गए, तो इसमें मेरा स्वार्थ छुपा है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताती हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज एक विशेष उपाय बताऊंगी, और ये उपाय इतना कारगर है कि आप जब खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छाएं, विशेष तौर पर अगर जिसकी शादी नहीं हो रही है, किसी का धन अटक गया है, किसी के जीवन में अनायास ही धन का फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके जीवन में लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो ये प्रयोग जरूर कीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा दमदार होती है और ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत दमदार बनाती है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि लोग देखते रह जाए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिससे आपके अंदर चमक आए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो सारी चीजें मैं वैदिक तौर पर बताती हूँ। ठीक है, बहुत ही नेचुरल चीजें होती है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, बहुत ही सटीक चीजें होती हैं जिसे करने मात्र से रिजल्ट दिखता है। तो आज का उपाय भी उतना ही ज्यादा दमदार है। तो उपाय में जिस चीज की जरूरत है वो है सिर्फ दो लड्डू की। जी हाँ, सुनने में हंसी आ रही होगी कि लड्डू से कैसे भाग्य बदल सकता है, तो मैं कह रही हूँ कि लड्डू से भाग्य बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ दो लड्डू से। करना क्या है, हर मंगलवार, ये सिर्फ उपाय को करना है, हर मंगलवार, हर मंगलवार आपको दो लड्डू लेने हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है कि आपको किसी भी मंदिर में जाना है भगवान हनुमान के, ठीक है, वहां पर जाकर आप साथ में भगवान को अर्पित करने के लिए जो भी लड्डू लेना आप ले लीजिए, फूल ले लीजिए, पांच तरह के फल भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको अलग से लेना है वो है दो लड्डू। जी हाँ, इसके बाद क्या करना है, आप साथ में तो लड्डू लेकर जाएंगे, जो आपको अलग रखना है वो दो खास लड्डू, लेकिन खास लड्डू मतलब आप सारे लड्डू एक ही हैं। हाँ, अब मत पूछना कि वो खास लड्डू क्या है, कैसे बनी हुई होंगी, जो मार्केट में अवेलेबल है जो लड्डू वही लड्डू है, लेकिन ये दो अलग से लड्डू जरूर लेकर जाइएगा। बाकी आप भगवान को जो अर्पित करना चाहते हैं वो प्रसाद अलग से लेकर जाइएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अर्पित करना है, ईश्वर को अर्पित करना है, वहीं पर बैठकर अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। उस दिन खास तौर पर अगर हो सके फलाहार कीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि धन ऐश्वर्य वृद्धि हो, व्यापार चले, तो मंगलवार के दिन फलाहार कीजिएगा, अन्न का ग्रहण मत कीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट एक टिप्स है, बहुत की हेल्थ कंडीशन जो होती है वो उन्हें परमिट नहीं करती है, तो ऐसे लोग ना करें जिन्हें हेल्थ परमिट नहीं करती है कि आप फलाहार रहे, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहीं पर आपने बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब पाठ कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार 7 बार 9 बार 11 बार या सिर्फ 1 बार, है ना, इजी। इसके बाद क्या करना है, आपको दो लड्डू लेना है वहीं से, जब आप पूजा से वापस घर लौटेंगे,
लेकिन घर लौटने से पहले ही आप किसी ऐसे गौशाला में जाइए या फिर ऐसे मंदिर के पास जाइए जहां पर आपको गाय दिखे। जी हाँ, उस गाय को आपको पीठ में अच्छे से सहलाते हुए आपको कहना है कि मेरी जो भी समस्या है या फिर आपकी जो भी इच्छा है, आपको समस्या का अंत कराना है, ऐसा कहना है। और आपको को कहना है कि मेरी इच्छाओं को आप पूर्ति कर दो और मेरी जितने समस्या है उसे अंत कर दो। ठीक है, कहकर आपको क्या करना है, ये जो दो लड्डू आपने हाथ में लिए थे ना, आपको गाय को खिला देना है। ऐसा आपको प्रत्येक मंगलवार करना है। चलो मैं इसका संकल्प की संख्या बता देती हूँ। इस संकल्प की संख्या होनी चाहिए 7, 9, 11 या 21। जब तक आपको लगे आप कर सकते हो तब तक ही करो। बात आएगी कि लेडीज को अगर पीरियड्स आ गए तो क्या करें। मैं हमेशा कहती हूँ, पीरियड से रिलेटेड क्वेरीज अगर होती है तो मेरे वीडियोस में बहुत क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको पीरियड के समय में से स्किप कर देना है। अब मान लो कि आपने 2 मंगलवार किया, तीसरे मंगलवार आपको पीरियड्स आ गए, चौथे मंगलवार से आप फिर सोचो, चौथा मंगलवार आता है आपको उसे तीसरा मंगलवार काउंट करना है, यानी जिस दिन से स्किप होता है उसके बाद से फिर से आप शुरू करते हैं तो वो नेक्स्ट ही होता है, उसे शुरुआत से नहीं गिनते हैं, जहां से स्टॉप हुई थी वहीं से फिर उसे काउंटिंग करते हैं। क्लियर है ना? अब मत पूछना कि पीरियड्स आए तो क्या करना है, पीरियड्स आए तो स्किप करो, उसके बाद फिर से जब ठीक हो जाओ तो उसे कंटिन्यू करो। बहुत सरल है, इतना पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से करना है, 2 लड्डू आपको गौ माता को खिला देना है। अब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने भगवान को बता दिया है, अपनी समस्या हमने बता दी है, हमने अपनी प्रॉमिस को भी कंप्लीट की है, यानी हमने 7 दिन का संकल्प लिया था, 9 दिन का लिया था, 11 या 21 दिन का लिया था, हमने कंप्लीट भी कर दी। तो मैंने भगवान को बता दिया, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, अब बारी है भगवान की कंप्लीट करने की बारी। तो देखिएगा बहुत जल्दी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसका रास्ता निकल आता है, या फिर कहिए तो वो सॉल्व हो जाता है गजब तौर पर, चमत्कारी तौर पर। लड़की की शादी नहीं हो रही है तो देखिएगा कि ये 7 दिन के संकल्प के बाद से या फिर उससे पहले ही योग शुरू हो जाते हैं, लड़की की शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लड़के की शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो उपाय है ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसे करके देखिए, आप देखना कि आपके जीवन में कैसे मिराकल्स होते हैं। विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं हो रहा है, करके देख लो, बिलीव हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है आस्था के साथ इस उपाय को। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।